तो चलिए आईफोन 14 प्रो मैक्स A16 सीपीयू करते हैं, ठीक है। आप जैसे कि देख ही सकते हैं इसके अंदर ये 16 सीपीयू आता है, काफ़ी लंबा सीपीयू है। इसको हम स्टेप टू स्टेप में करेंगे। पहला पार्ट हम ग्लू कट करेंगे। अब आप नोटिस करो इसके आसपास जो ब्राउन ग्लू है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो जनरली इसके आसपास ब्राउन ग्लू आता है आईफोन एक्स इस ऐसे केस में यहाँ पर, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और सीपीयू को निकालेंगे हम यहाँ से, यहाँ पे अच्छा स्पेस भी दिया है आपको सीपीयू निकालने के लिए, ठीक है, स्क्रैपर डालने के लिए। सबसे पहले उसमें अपन और हीट और वो सब कुछ मैं आपको बताते हुए चलूँगा, तो आप प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा। मेरे पास में दो अभी एक कैमरा नहीं है हीट के लिए, तो हीट कितना क्या करना है ये मैं आपको बताते हुए चलूँगा साथ ही साथ में, ठीक है। सबसे पहले हम साइड ग्लू को कट करेंगे, ये हमारा पार्ट वन होने वाला है। और हम इसको 11 नंबर की ब्लेड से भी कर सकते हैं और किसी 007 काइंडली के स्क्रैपर से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं हम, जैसे आप देखिए मैं इससे भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और हम किसी 11 नंबर की ब्लेड से भी कर सकते हैं, दोनों से आपको करके दिखाता हूँ। आपको जो हीट और एयर है तो सबसे पहले हम साइड साइड ग्लू को कट करेंगे। देखो इसमें ग्लू बहुत कम होता है, आप जैसे कि देख ही रहे हो नाक के बराबर है। आपको सिर्फ जो स्क्रैपर है उसको सीपीयू की साइड रखना है, कंपोनेंट की साइड आपको नहीं रखना है और ज़बरदस्ती आपको यूज़ नहीं करना है। हम अगर कोई कैपेसिटर निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए बिल्कुल नहीं। आप 11 नंबर का ब्लेड भी यूज़ कर सकते हो। ओके देखिए मैं 11 नंबर के ब्लेड से करता हूँ, इधर ब्लेड को सीधा रखना है और ऊपर से नीचे चलाना है इस तरीके से, ठीक है, और सीपीयू के साइड चलाना है, कंपोनेंट के साइड नहीं, क्योंकि हमें कंपोनेंट और सीपीयू के रास्ता ब्रेक करना है। अगर हम कंपोनेंट और सीपीयू के रास्ता ब्रेक करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा, हमको कोई ट्रैक नहीं काटना। कोई कंपोनेंट निकलता है तो उसको बिल्कुल निकाल के अलग रख लीजिए या उसी समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीपीयू निकालने के बाद उसको आप वापस लगा सकते हैं, ठीक है, पर उसको आप संभाल के रखिएगा। मैं अपनी ब्लेड को साफ कर लेता हूँ। ये देखिए हल्के हल्के से, एक बार में नहीं होगा, 3-4 बार उस पर आपको हल्के हल्के से ऊपर ही ऊपर से चलाना है, तो वह अपने अंदर आराम से घुसता जाएगा और आपको दिख जाएगा कि आपका ग्लू हट गया है, है ही नहीं या तो हट गया है। तो इसमें तो ना मात्र के ग्लू यूज़ किया है,
तो अभी के आईफोन के सीपीयू काफ़ी आसान होने वाले हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रहे आईफोन एक्स जैसे जिसके अंदर तबीयत से ग्लू आता थे। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको आपका पावर, अगर आपका पावर भी शॉर्ट होता है तो हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे होता नहीं है। ये देखिए सीपीयू साइड मैंने चलाया, इसको बहुत इजीली ये चल रहा है। नोज़ल को हटाते और लगाते रहना, नोज़ल को रखना नहीं है क्योंकि हमें हीट कुछ सेकेंड के लिए देनी है। और पूरा इससे लेयर तक नहीं जाना है क्योंकि लेयर जाओगे तो स्क्रैच होगा और 11 नंबर की ब्लेड से बहुत जल्दी स्क्रैच लगता है, इसलिए 11 नंबर की ब्लेड यूज़ लेना है, नई ब्लेड मत लेना। यूज़ नहीं लोगे तो ये तो स्क्रैच करेगी। ये देखो मेरी यूज़ ब्लेड है, ठीक है, वापस आ गया मैं ऊपर की ओर। अब मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर भी चला ही लेता हूँ। देखो ये कैपेसिटर मेरा मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहीं कहीं गिरा होगा तो मैं लगा भी दूंगा उसको। अब स्क्रैपर भी चलाना है, उसके बाद ऐसा नहीं है, स्क्रैपर आपको बता देगा कि कहाँ पे ग्लू नहीं है, कहाँ है। और स्क्रैपर क्या है, वो छीलेगा नहीं क्योंकि स्क्रैपर स्पेशली डिज़ाइन ही इसी के लिए हुआ है। 11 नंबर की ब्लेड इसके लिए डिज़ाइन नहीं हुई है। ये देखो कितना आसानी से रास्ता बन गया है, कितना अच्छा आसानी के लिए रास्ता बन गया है। मैं बड़ा नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हीट कम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कैप्स भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ तो ग्लू है ही नहीं। अब यहाँ पर हल्का हल्का सा ग्लू जो बचा होगा उस स्क्रैपर से निकल जाएगा, ये देखिए। तो स्क्रैच बिल्कुल नहीं लगने देना है, और लगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हो यार आप, है ना, कोई ये ट्रॉफ़ी तो मिल नहीं जाएगी आपका, बस फ़ोन चालू हो जाएगा आपको, बस उससे ज़्यादा खुशी और किसी में नहीं होगी। और आप जब इसको 10-20 बार कर दोगे ना तो आपको खुद आपको स्क्रैच भी नहीं लगेंगे। ये देख लो आप, कॉम्पिटेंट निकलने का तो सवाल ही नहीं क्योंकि बहुत दूर है यार, दिखते ऐसे हैं कि पास में, पर जब तक करोगे नहीं ना तो दूर ही दिखाई देंगे, ठीक है। आप देखो तो मैं नोज़ल बाहर ही रखा हूँ, मैं चाहता तो छोटा नोज़ल यूज़ कर सकता हूँ, आप छोटा नोज़ल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोज़ल छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हीट कम होनी चाहिए आपकी। और जो मैंने आपको शुरू में बता दी है तो आप शुरू के 5 मिनट का वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हीट पूरी बताई है कि मैंने कितनी रखी है। तो ये मेरा पहला पार्ट डन हो गया, मेरे ग्लू कट हो गए, अब मुझे दूसरे पार्ट में सीपीयू को बाहर करना है। चलो जी सेकंड पार्ट, आईफोन 14 प्रो मैक्स, हम इसका सीपीयू बाहर करने वाले हैं। और बाहर करने के लिए इतनी बढ़िया सी जगह दी है कि क्या ही बताएं। हमने इसका जो बोर्ड है वो विदाउट प्रीहीटर से लेयर से सेपरेट किया, इस फ़ोन को हमने ऑन करके दिखाया, इसकी हमने शॉर्टिंग थी वो भी निकाली, अब हम इसका सीपीयू निकाल के लगा के ये भी दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये वाले माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर विदाउट माइक्रोस्कोप से सीपीयू को बाहर करूँगा। तो आप उसको देख लो किस तरीके से, हमने बोर्ड को ले लिया, ठीक है। अब हम ये जो स्क्रैपर है ये हम इसके अंदर डालेंगे, बट हम सबसे पहले इसको हीट होने देंगे प्रॉपर तरीके से। ये आप देख सकते हो आईफोन A16, ये हमारा इसके बगल में पावर लगा हुआ है,
तो कोशिश करना है कि इसको मेल्ट नहीं करना है। हम चाहें तो इसके ऊपर ये भी रख सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसको कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि पेस्ट डालना चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं पेस्ट नहीं डालना चाहिए, बट सच्चाई क्या है, आप पेस्ट डाली, पेस्ट डालने से कहीं ना कहीं ट्रकें मेल्ट होती हैं, फ़ायदा होता है। तो हम हीट करने से पहले पेस्ट डालेंगे, बट जहाँ जहाँ से हमें स्क्रैपर डालना है वहाँ से हम पेस्ट नहीं डालेंगे। और जो हम स्क्रैपर यूज़ कर रहे हैं वो ये हैं, हम ट्विजर से भी उठा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इससे भी उठा सकते हैं। और नोजल आप देख लो मैं कितना बड़ा यूज़ कर रहा हूँ, उतना बड़ा यूज़ कर लेना आप। देखिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 60 सेकंड चलाना है और उसको डिवाइड करना है 30-30 में। 30 सेकंड तक तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हिलाएंगे ऊपर जलेबी जैसे, और बाकी 30 सेकंड अगर हल्का सा आप देखेंगे गैप पंचर करने की कोशिश करेंगे, तकरीबन दो जगह पंचर करेंगे। आप अपने बिड मैप में ये भी देख सकते हैं कि आपकी आईसी कहाँ पर है, तो जिस जगह आईसी आपको वहाँ पंचर यहाँ घुसाना नहीं है, नहीं तो उस टाइम पे आईसी ब्रेक भी हो सकती है। तो मैं तकरीबन 60 सेकंड करूँगा इसको, तीन सौ साठ मैंने हीट रख लिए टेम्परेचर। तीस सेकेंड मेरे हो चुके हैं, अब मैं हल्का सा पंचर करूँगा इसको ताकि एयर बाहर निकले, नहीं हो रहा तो नहीं करूँगा। ये देखो पंचर हुआ, अंदर घुसा, बहुत अंदर तक घुसाने की कोशिश नहीं करूँगा, सीधा रखूँगा, ब्लेड को उठाऊंगा नहीं, नहीं तो मेरा जो सीपीयू है वो डैमेज होगा। आईसी अपने आप उठनी चाहिए, तो देखिए आईसी हमने उठा दिए। अब हम देखते हैं कि हमारी जो जितनी भी कोशिश है वो कामयाब हुई कि पैड वैड निकल गए, जो भी है हम लाइव देखते हैं इसको। आईसी तो उठा दी हमने, ठीक है। तो आप देख सकते हो रिज़ल्ट आपके सामने है, हमारा सीपीयू बहुत बेहतरीन निकला है, हमने एक भी पैड, सबसे अच्छी बात है हमने कॉर्नर भी डैमेज नहीं किए। आप देखो
नहीं तो ये ज़्यादातर जो ये लाइन होते हैं, ये ब्लैक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, देखिए ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये डैमेज होती है सीपीयू निकालने के टाइम पे। देखिए पूरी ब्लैक कलर की लाइन ओके है, हमारा सीपीयू एकदम कंफर्म और बहुत बढ़िया और निकला है। हमारी कोई ब्लैक आईसी भी हमारी डैमेज नहीं हुई है, ठीक है। अब देखना ये है कि हमारा जो पावर है और पावर का क्या हाल है, ये हमारा शॉर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें। थोड़ा हम सीपीयू को, ये आप देख सकते हो, ये हम सीपीयू को क्लीन करेंगे। अब इसके बाद हम इसको पहले बड़े बॉल उठा लेंगे हम इसके। अब आ रहा है इनका टेम्परेचर, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा डी शोल्डर ले सकते हैं। तो ये मेरा पार्ट थ्री में रहेगा क्लीनिंग। तो चलो पार्ट थ्री हम कर रहे हैं क्लीनिंग। थोड़ा सा कट करना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई थी, तो फिर से वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक है। तो भैया सबसे पहले एक डी शोल्डर, मतलब आपने नॉर्मल शोल्डर लेकर बड़ा बॉल बनाकर आपने टेम्परेचर को कम कर लेना है। आप यहाँ पर रोजिन का भी यूज़ कर सकते हैं, रोजिन से ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। रोजिंग में क्लीनिंग में सफाई दिखती है, कुछ भी कहो। हाँ आप किसे क्लीन करते हो कमेंट करके बताओ, अगर आप ये यूट्यूब में देख रहे हो। बाकी यूट्यूब में मैं वीडियो को बहुत सारे जो पार्ट है, जो कितनी हीटिंग है क्या है, वो सारी चीज़ें मैं म्यूट कर दूंगा क्योंकि ये कंटेन पेड है। और अगर आपको ये वाकई में देखना है और आपको ये काम करना है तो आप मेरा कोर्स परचेस कर लो, एंड्रॉयड तो मैं ऑनलाइन पढ़ाता ही नहीं हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरा जो कैपेसिटर है उसको मैं थोड़ा हीट करके ठीक कर दूँगा, अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, अभी मेरे को क्लीन करना है अंदर का। आप आयरन से भी इसको क्लीन कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं आयरन से ही क्लीन कर रहा हूँ उसको, बस आपका वो यूज़ होना चाहिए, बेसिकली फ्लक्स यूज़ होना चाहिए आपको। ये देखिए आयरन से क्लीन हो रहा है पूरा, बहुत ज़्यादा वैसा ब्लैक पेस्टेड नहीं होता जैसे एंड्रॉयड में आता है। इसका सारा खेल इसका कंपोनेंट का है, कंपोनेंट नहीं निकलने चाहिए। अब हम पहले क्लीनिंग कर लेते हैं जितनी हमने अभी की है। तो हमारा
जो थिनर है वो ख़त्म हो गया, तो थिनर डाल लेते हम। हम बहुत महंगे महंगे थिनर से यूज़ नहीं करते, आप पेट्रोल भी यूज़ करते होंगे बहुत से लोग, दुकान वाले ज़्यादातर लोग जो इंस्टीट्यूट कभी नहीं जाते वो पेट्रोल ही यूज़ करते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। आप में से कौन थिनर कौन पेट्रोल यूज़ करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम पहले क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बीच में गोल्डन पट्टी है ये आपकी एनसी है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आपको पता चल जाएगा क्या पेस्ट है, कितना निकालना है, कितना बचा है, ठीक है। अब एक बार डी सोल्डर वायर भी चलाते हैं हम, थोड़ा बहुत डी सोल्डर वायर ही खींच लेगा हमारा। डी सोल्डर वायर जब भी हम चलाएंगे तो हम यहाँ पर इस तरह से देखो रोजी में डाल के यूज़ कर लेते हैं उसको। ओरिजिन डालने की ज़रूरत नहीं है पूरा वायर पे कुछ ख़ास तौर पे। बस क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लीनिंग ज़ीरो होनी चाहिए। अगर आपकी क्लीनिंग ज़ीरो हो रही है और साफ़ सुथरी है तो बस आपका CPU अच्छे से क्लीन हो जाए और रिवॉल्व हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं है, लग तो वो हवा में जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। एंड्रॉयड जैसा ही है बाकी सारा सिस्टम, और एंड्रॉयड में भी क्लीनिंग चाहिए होती है जब आप डुअल डेकर बनाते हो तो। डी सोल्डर वायर बहुत सीधा सीधा चलाना है आपको, देखिए कैपेसिटर और रजिस्टर तो अलग कर दिया, थोड़ा हीटिंग से उसको सीधा कर देंगे SMD से। डी सोल्डर वायर बहुत गर्म हो जाता है कुछ देर के बाद,
कई लोग डी शोल्डर वायर से भी कॉम्प्रेट निकाल देते हैं क्योंकि वो चलाते समय ध्यान नहीं देते, बहुत तेज़ हाथ चलाते हैं। अब मैं फिर से क्लीन करूँगा और फिर से देखूँगा कि क्या है और कितना है, कहाँ करना है कहाँ नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले और अपने बहुत अंतर है। अब जहाँ साइड में हम 11 नंबर की ब्लेड से हम उसको यूज़ करते हैं और ये निकालते हैं, हीट एयर बिल्कुल उतनी रखनी है जितनी हमें शुरू में निकाल रखी थी जब हमने साइड ग्लू कट किया था। ठीक है, से भी निकाल सकते हैं हम ये।
तो मैंने 183 का पीपीडी थोड़ा सा रखा हुआ है, इससे बॉलों का टेम्परेचर चेंज होगा और पहले से ज़्यादा फ्लैट बॉल बनेंगी। बस ये आपको फैलने नहीं देना है बाहर, सीपीयू के बाहर। ये मैंने रीवा चाइना में सीखा था, ये वाला मैंने होंगकॉन्ग रीवा आई फिक्स जीलोन इन सबसे ट्रेनिंग ली है दोस्तों। अभी मैं जीलोंग से चल रही है, आप ये कह सकते हैं। अब हम वायर चलाएंगे, अब हमारे जीरो पैड होना चालू हो गए हैं। हमने अपना सीपीयू निकाल लिया है, ठीक है, बहुत देर तक नहीं रखना उसकी।
अब हमारी क्लीनिंग डन हो चुकी है। देखिए क्लीनिंग में बहुत टाइम देना है अगर आप परफेक्शन में काम करना चाहते हैं, एक बार में आप चाहते हैं कि सीपीयू लग जाए, क्योंकि अगर आप क्लीनिंग में टाइम नहीं देंगे तो फिर आपको दो बार तीन बार सीपीयू लगा के आप सीपीयू डैमेज कर देंगे, पावर आईसी को आप हीट कर देंगे, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं करना है। ये देखिए कितनी जीरो बॉन्डिंग, आप इसको कहते हैं जीरो साइज, एक एक बॉल का। ये देखिए इसमें बैठेगा सीपीयू आपका एक बार में, दिखाई दे रहा है आपको। आईफोन 14 प्रो मैक्स जब हम सीपीयू बिठाएंगे तो हम इसको भी टच कर देंगे तो ये बैठ जाएगा अपना। ये सारे पैड हमारे एनसी हैं तो हमारे काम के नहीं हैं। कॉर्नर बहुत क्लीन होने चाहिए, कॉर्नर पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कॉर्नर क्लीन हो सीपीयू लगने के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई कचरा वचरा तो नहीं है। ये बोर्ड की वजह से भी आ जाता कई बार हीट की वजह से, जरूरी नहीं है कि आपका पावर ही बिलकता है हर बार। तो पावर तो मेरा बिलका नहीं है क्योंकि होता तो बहुत ज़्यादा बॉल निकलते हैं उसमें। आप देख सकते हैं क्या दिक्कत होगी, बूटिंग से पता चलेगा। जीरो बूट होना चाहिए और जब मैं पावर की दूँ तो 0.2 mA से 0.25 mA तक जाना चाहिए, 0.25 mA तक, ठीक है। आपको आसपास पूरा देखना है, क्लीनिंग कर कि आपने कहीं पे कोई बॉल बॉल अगर फंसा होगा तो आप उस बॉल को बाहर कर लेना। तो चलो चौथे पार्ट आईफोन 14 प्रो बूटिंग, अब हम देखते हैं कि विदाउट सीपीयू क्या बूट दे रहा है, या हमें पावर को रिवॉल्व करने की ज़रूरत है। होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको एक दो बार पहले भी किया है बट कुछ भी नहीं कह सकते ना मोबाइल में, अगर होता है तो बस कर लो, क्या दिक्कत है। पावर रिवॉल्व ही करनी होती है, पावर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार क्या होता है पहले से ही हीट होती है, यहाँ देख लो कहीं पर बीच में कोई आपको पार्टिकल्स आपके शोल्डर के फंसे हुए तो नहीं है। मेरे पास इसका डिस्प्ले नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं, मुझे डिस्प्ले चाहिए मैंने, मैं डीसी रीडिंग दिखा दूंगा। 200 से 1000 एम्पियर तक जाना चाहिए धीरे धीरे जैसे फ़ोन हमारा ऑन होता है। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, ठीक ही लग रहा है, यहाँ भी सब ठीक लग रहा है, इसके अंदर हो सकता है बट अभी तो ठीक लग रहा है। चलो भाई अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसको जंपर लेते हैं, इसका प्लस माइनस, प्लस ही जंपर लेना है, माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस को टच करके देख लेंगे और सिर्फ बूट करेंगे, ठीक है।
तो हमने बैट VCC से, जो कि यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से हमने ले लिया है। अब हम माइनस रखते हैं, तो मैं आपको एक अलग से कैमरे से दिखाता हूँ ये चीज़। तो देखिए हमने यहाँ से जंपर ले लिया है, और ये हमारा DC है। हम इसको माइनस में टच करेंगे, और मतलब हमारा बूटिंग बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब हमारा पावर बिल्कुल नहीं। अब हम ये चेक करते हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर की है इसको शॉर्ट करके, कि हमारे DC कितना ले रहा है। तुम नोटिस करो, ठीक है, तो हमने माइनस हमने टच कर दिया है, ठीक है, और हमारा शॉर्ट नहीं है। अब हम ये पावर क्यू को टच करेंगे और इसका बूटिंग चेक करेंगे। तो देखो 0.018, जो कि बिल्कुल ओके है, मतलब हमारा बोर्ड एकदम ओके कंडीशन पे है। ये देखो स्टक है 0.018 पर, हटा लूँगा तो चला जाएगा, ठीक है, डन। मतलब हमारा बोर्ड एकदम ओके है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आप हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब मतलब हम CPU को क्लीन करके रिवॉल्व करके लगाएं, चलो अब पार्ट 5। अब हमारा बोर्ड ओके हो चुका है, हमें सिर्फ CPU लगाना बस है। अब हम CPU को क्लीन कर लेते हैं और रिबॉल कर लेते हैं। तो ये क्लीनिंग का पार्ट होगा, इसके बाद रिबॉलिंग का, फिर लगाने का पार्ट अलग देखेंगे। CPU को क्लीन करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही बड़े बॉल उठा लेना है फ्लक्स से। अब अलग से डिसोल्डर का वायर यूज़ कीजिए। RN को आप 320 पर रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा गरम हम RN रख नहीं सकते, क्योंकि ये है तो उसके ऊपर पेपर ही। और थोड़ी देर तक इस पर घुमाइए,
ये घुमाने से भी ग्लू थोड़ा सा ढीला होता है, बड़े बॉल भी निकलते हैं। और ये ढीला भी होता है, अगर इसमें घुमाने में दिक्कत जा रही है जैसे देख सकते हैं आप, मेरा आर्यन इसको पकड़ नहीं रहा, तो फिर इसको हटा देंगे और 183 का पेस्ट लेंगे। और इससे बॉल बनाएंगे। आयरन टच नहीं करना आपको बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये 183 का आपने पेस्ट बनाया है। अब नॉर्मल जैसे हम करते हैं, आप ट्वीज़र से भी कर सकते हैं, आप स्क्रैपर से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ये स्क्रैपर से भी कर सकते हैं, आप ये वाले स्क्रैपर से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी से भी कर सकते हैं, इवन ट्वीज़र से भी कर सकते हैं। अब आपको हीट और एयर देनी है, वही 230 पे हीट रख लो और 40 पे एयर, थोड़ी देर तो घुमाओ, गर्म करो थोड़ा सा, एकदम से मत करना क्योंकि ये दम से तो निकलेगा भी नहीं, ठीक है, और डी सोल्डर वायर मत चलाइएगा। ये देख रहे हो आपके ये निकल रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये थिनर में भी था। सेफली निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह आप देख सकते हैं कितने इजीली निकल रहे हैं। बाकी तो ब्रश से भी निकल जाएगा।
अब इस पर ब्रश नहीं चलाएंगे क्योंकि इस पर बहुत सारे बड़े बॉल हैं। पहले बॉल बना के वो सारे उठा लेंगे। तो ये क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है और सेफ तरीका है। अब थोड़ा सा ब्रश करेंगे, ब्रशिंग करेंगे। हार्ड ब्रश नहीं चलाना है, बहुत स्मूथली चलाना है। ठीक है, तो पेस्ट को पूरा निकल गया है। अब फिर से थोड़े अब इसको क्लीन और नॉर्मल करना है। नॉर्मल मतलब एक बॉल। अरे रामराज तुम काम कर लो फिर कॉल कर लेना, कोई नहीं। तो 138 का एक बॉल बना लेंगे।
तो चलो भाई हो गई तैयार परफेक्ट तरीके से। A16। अब अगले पार्ट में इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। तो कैसी क्लीनिंग है बताइएगा कमेंट करके। आपको भी सेम ऐसी क्लीनिंग करनी है, हीट और वो सब कुछ मैंने बता दिए, एक बार आप उसको फॉलो करेंगे आपकी भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भैया A16 बिल्कुल क्लीन। तो भैया स्टेंसिल आईफोन A16, ठीक है, नॉर्मल स्टेंसिल है, कोई मैग्नेट नहीं, बट मैग्नेट और उसमें कोई वो नहीं है, मैग्नेट अभी इजी है और वन टाइम में हो जाती है तो कोई सीन नहीं है, इससे भी वन टाइम में होती है, इज ऑल प्रैक्टिस पर है सब कुछ। नया पेस्ट बनाना है तो जो भी पुराना पेस्ट है वो निकाल लो अपनी, अगर आप 4 नंबर की ब्लेड से लगाते हो तो। ठीक है, नया पेस्ट, क्योंकि इसमें अगर पुराना पेस्ट लगेगा तो वो रिवॉल्विंग में दिक्कत करेगी। पेस्ट यूज़ करना है 183, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ फोंगकॉन्ग। ये WL की है, ये है फोंगकॉन्ग की, अच्छी है स्टेंसिल। ठीक है, तो हम सबसे पहले PPD लेंगे और जैसा कि हम करते ही आए हैं उसको थोड़ा सा सुखाना है, उसका गीलापन निकालना है। पर फोंगकॉन्ग की PPD बहुत अच्छी है अदर PPD से, हम उसको गीला भी यूज़ कर सकते हैं तो भी हो जाएगी, बट हम उसको थोड़ा सा यूज करेंगे तो, पर हम थोड़ा सा यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रेस किया है। ठीक है, ये देखिए ये तैयार होके आ गई है सामने। अब ये रही हमारी A16 IC iPhone 14 Pro Max, चारों कोने मिलाने हैं IC के। ठीक है, मिल गए, और चार दोनों तरफ से पकड़नी है IC, ऊपर और नीचे दोनों साइड से। ठीक है, IC में बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो हम आधी आधी IC को रिवॉल्व करेंगे, ये सबसे अच्छी ट्रिक है, मैं ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा इसके अंदर। हम पहले इतनी IC को रिवॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बाकी IC को रिवॉल्व करेंगे, इसमें उठने का खतरा कम ही रहता है, फूलने का खतरा।
ठीक है। हम पूरी एसी भी एक साथ रिवॉल्व कर सकते हैं, पर हम एक ही बार में करना चाहेंगे। अब हमारी आईसी क्या हो गई है, लॉक हो गई है, ये देखिए बॉल्स में, तो वो उठेगी भी नहीं, बस ज़्यादा उस पर एयर ना जाए। तो अब हम बाकी आईसी पर ही फेस डालेंगे। ठीक है, अभी हमारे बॉल्स प्रॉपर हैं या नहीं है ये भी हम देखेंगे। अब हम बाकी को रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमारी आईसी अच्छी तरीके से रिवॉल्व हो गई है एक बार में ही। कुछ छोटी छोटी ट्रिकें यूज़ करने से कोई घाटा नहीं है, फ़ायदा ही होता है। ये सारे टूल मैंने ZX मलिक से परचेस किए हैं, आप उनसे परचेस कर सकते हो। दिल्ली में ZX मलिक और भोपाल में रामराज टूल, आप दोनों से परचेस कर सकते हो। अब हल्का सा पेस्ट देंगे और फिर से हीट देंगे। उससे जो बॉल हमारा पूरा नहीं लगा होगा वो पूरा लग जाएगा। ठीक है, इस टाइम पे आपको स्टेंसिल को बहुत ज़्यादा दबा के नहीं रखनी है। तो बॉल भी प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। उसको कहेंगे हम परफेक्ट रिबॉलिंग। आप कह सकते हैं ये टेक्निक मैंने आई फिक्सेट में सीखी थी। क्लियर है, और ये कोई वॉइस ओवर नहीं है, ये मैं काम करते करते बोल रहा हूँ माइक में। तो ये A16 IC रिबॉल आपके सामने वन टाइम। ठीक है, अब हम इस पर थोड़ा सा फ्लेक्स डाल के इसके बॉलों को शेप में लाएंगे, अगर कोई एक आध दो शेप में नहीं भी होंगे तो। पर ये देख लेना है, कचरा नहीं होना चाहिए।
तो भैया ए 16 IC रिबॉल डन। ये था पांचवा पार्ट। अब हम इस IC को लगाएंगे और लास्ट में बूटिंग देखेंगे। चलो अब लगाने का टर्म्स आ गया है। ये IC हमारी हो गई है परफेक्टली रिबॉल। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। ये हमारा बोर्ड, ये भी एकदम ओके है, जीरो सरफेस के साथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस बोर्ड को सेट करना है। कर लिया। अब आप इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। आप इसमें रोजिन डाल सकते हैं, या आप कुछ भी नहीं डाल के आप डायरेक्ट लगा के हीट दे सकते हैं और साइड में फिर फ्लक्स डाल सकते हैं, या आप फ्लक्स डाल के फिर आप IC लगा के फिर और फ्लक्स डाल सकते हैं। तो मैं फ्लक्स डालूँगा इसमें। ठीक है, और इस फ्लक्स को फैला दूँगा इस तरीके से। डन। अब IC को क्लीन करूंगा पहले तो। बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं भी निकले तो भी चलेगा, इतना कोई वो नहीं है, हवा नहीं है उसका। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, क्लीन हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा कचरा सा लग रहा है ना, उसको भी क्लीन कर ही लेते हैं। और हाथ में जो भी गंदगी है उसको साफ कर लो पहले थिनर से, क्योंकि वो गंदगी वापस IC को लगने वाली है। ठीक है, तो IC मेरी नीट एंड क्लीन हो गई है। तो ठीक है, अब अपन सीधा IC को लगाते हैं, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा क्लीन करेंगे उतनी ही तकलीफ देगी ये।
चलो डन। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स A16 सीपीयू को रख दिया है, डन। सीपीयू को सेट करेंगे, बहुत स्पेस होता है इसमें, ठीक है। अब सीपीयू को लगाएंगे, पहले देख लेंगे कि सीपीयू बैठ गया है कि नहीं। बिल्कुल एयर कम रखनी है, क्योंकि नीचे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सीपीयू टेका हो। ठीक है, बीस राउंड कम से कम आपको चलाना है, धीरे धीरे चारों तरफ हीट देनी है। अब 35, अब मैं इसको 40 कर लूँगा एयर को, पहले 30 की थी। तो साइड में फ्लैक्स डालूँगा और पहले फ्लैक्स को अंदर जाने दूँगा। अब फिर देते जाऊँगा और यही फ्लैक्स बाहर आने के लिए वेट करूँगा। और जब ये फ्लक्स जैसे समुद्र की लहरें होती है ना, आती हैं जाती हैं, आईसी से बाहर आती जाती रहनी चाहिए। तो मेरा जो SMD का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कितने पर है। ये देखो लहरें जैसे आ रही हैं, जा रही हैं, है ना। अब हम हल्का सा टच करेंगे, बस। तो ये पहली बार हम देखेंगे, अगर नहीं होता है किसी तरह की लो रीडिंग आती है तो फिर हम थोड़ी हाई टेम्परेचर और हाई एयर पे सीपीयू को फिर से टच करेंगे। फर्स्ट टाइम तो यही प्रोसीजर है। अब ठंडा करना है, थिनर नहीं डालना सीधे। फैन चार्ज नहीं है मेरा,
थिनर डाल देंगे, प्रॉब्लम होती है ज़्यादा एयर यूज़ करने से। यह आइस हमने निकाली थी, इसका सॉर्टिंग निकालने के लिए इसका वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है। थोड़े बॉल देखेंगे जो देख सकते हैं, देखिए ये आपको बॉल दिखाई दे रहे होंगे आईसी के। खैर अब चेक करेंगे हमारे बोर्ड की रीडिंग क्या है। तो चलो अब फाइनली हमने डीसी को ऑन कर दिया है और हमने ये प्लस सिर अपना इसमें लगा लिया है, हमारा सीपीयू आप देख सकते हो। अब हम इसको बूट करेंगे, पहले माइनस के साथ टच करते हैं। एक अलग से स्क्रीन मैंने चालू की है, ये देखो मतलब सॉर्टिंग नहीं है। ये बताने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो माइनस वाला है उसको प्लस में टच करूँगा तो ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं इसको माइनस प्लस दे ही नहीं रहा हूँ। ये देखो ठीक है, अब ये मैंने लगाया, अब मैं बूट की को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर बूटिंग देखना 1000 के ऊपर जानी चाहिए। अब नोटिस करो तो ये 1000 तक आनी चाहिए, 1500 फिर वापस नीचे। ये देखो ये मेरे साइन ऑन होने के, ये मेरा लोगो पे आ गया सेट। बट बेसिकली कैसा है ना, मैं पर डिस्प्ले नहीं है, नहीं तो मैं आपको पक्का दिखाता इसको और मुझे भी देखने में मज़ा आता। बट कोई नहीं, मेरे डिस्प्ले कोई टूटा फूटा हो उसको परचेस करूँगा। अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा हो किसी के पास डिस्प्ले है तो मुझे बताइएगा। देखो मेरा हट गया इसलिए बूट बंद हो गया। फिर से एक बार दिखाता हूँ, बूट की पे रखूँगा तो ये हमने किया A16 CPU वन टाइम। ये मैंने पहले भी एक दो बार कर चुका हूँ पर ये वाला मैंने पूरा कोर्स में डाला है पूरा प्रॉपर हीटिंग के साथ। ये देखो ये मेरा चालू हो गया, ठीक है ये देखो ये प्रॉपर तरीके से चालू हो गया। देखो माइनस मैंने टच करके रखा हूँ इसलिए जैसे ही हटाऊँगा तो वो बूटिंग जीरो हो जाएगी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोर्स परचेस करना चाहें तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने एंड्रॉइड पर क्लास पल्स, आपने एंड्रॉइड पर एसर टेलीकॉम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और हमारी कोर्स की लिस्ट में जाना है जिसमें आपको ये वीडियो अगर आपको पूरा देखना है, ठीक है, तो आपको ये वाला कोर्स परचेस करना पड़ेगा, ये वाला जो कि 6, 7X, 11, 12 और 13 और 14 के डाटा के साथ। इसमें इतना कंटेंट है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। अगर मैं आपको इसको प्रॉपर दिखाऊं, नोटिस करो देखो इसमें इतना कंटेंट है पूरा बेसमेंट कोर्स डाला हुआ है जितने भी 1,00,000 रुपये हुए, बहुत सारा डाटा आपको इसमें, डाटा तो आपको इसमें बहुत लाखों रुपए का मिलेगा। तो उसके अंदर कंटेंट बहुत सारे हैं नो डाउट, आप इसको परचेस कर सकते हैं एप्लीकेशन में। आप जब परचेस करेंगे तो
नीचे जाइएगा और यहाँ जाकर आप उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और आप कूपन अप्लाई कर सकते हैं एशिया टेलीकॉम, एशिया वन नहीं, आप कूपन अप्लाई कीजिए एशिया टेलीकॉम 20% डिस्काउंट के साथ।